अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो चौथी जमात के लिए है। आपकी दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सफ़र नंबर 36 पर ये सबक नंबर 5 है, जिसका उनवान है हज़रत अली का इंसाफ। किसका इंसाफ? हज़रत अली। हज़रत अली का नाम तो आपने सुना होगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये रे और जो आज ऊपर छोटा बना हुआ है, इसका मतलब होता है रज़ी अल्लाह अन्हु। ये तमाम सहाबा और सहाबियात के नामों के साथ में लिखा जाता है रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इंसाफ। ठीक है, तो मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग के लिए हज़रत अली जो थे वो चौथे नंबर के खलीफा थे, खलीफा राशिदीन जो कहलाते हैं। पहले हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और चौथे खलीफा थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। तो उनके इंसाफ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, दो मुसाफिर कहीं जा रहे थे, मेरे साथ पढ़िए, दो मुसाफिर कहीं जा रहे थे, रास्ते में खाने का वक्त हो गया, यानी दोपहर का वक्त हो गया, खाने का वक्त हो गया, रास्ते में खाने का वक्त हो गया, उन्हें भूख लगने लगी। जाहिर सी बात है, खाने का वक्त होता है तो भूख लगती है। एक मुसाफिर के पास 5 रोटियाँ थीं जो अपने घर से लेकर चला था, दूसरे मुसाफिर के पास 3। अभी उन्होंने खाना नहीं शुरू किया था कि एक और मुसाफिर उधर से गुजरा। ये दो मुसाफिर थे, एक तीसरा मुसाफिर उधर से गुजरा, उन्होंने उसे भी खाने पर बुला लिया। अब तीनों ने मिलकर खाना खाया, तीसरा मुसाफिर खाने के बाद जाने लगा तो उसने उन दोनों को 8 दिरहम दिए। क्या दिया? 8 दिरहम। जब तीसरा मुसाफिर खाने से फारिग होकर जाने लगा तो 8 दिरहम देकर गया। अब सवाल ये था कि ये 8 दिरहम कैसे बांटे जाएँ। जिस मुसाफिर की 5 रोटियां थी उसने कहा कि 5 दिरहम मैं लूँगा, मेरी 5 रोटियां थी, 3 दिरहम तुम ले लो क्योंकि तुम्हारी 3 रोटियां थी। ठीक है, इस तरह से उस मुसाफिर ने कहा। जिस मुसाफिर की 3 रोटियां थी उसने कहा, इस मुसाफिर ने हम दोनों के हिस्से में इसे खाना खाया है, इसलिए हम दोनों 8 दिरहम बराबर बराबर बांट लें, 4 दिरहम तुम ले लो, 4 दिरहम मैं ले लूँ। इस तरह कहा उस मुसाफिर ने दूसरे ने। इस बात पर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। उस जमाने की बात है जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। दोनों मुसाफिरों ने सोचा कि इस झगड़े का फैसला हजरत अली से करवाएं। किसे करवाएं? हजरत अली से, क्योंकि वो खलीफा हैं। वो दोनों हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उनकी बात सुनी तो उस मुसाफिर से बोले जिसकी 3 रोटियाँ थीं, अगर तुम 3 दिरहम ले लो तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है। वो मुसाफिर हैरान हो गया, उसने कहा ये कैसे हो सकता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा, देखिए हर रोटी के 3-3 टुकड़े कर लो। कितने कितने टुकड़े करो? 3-3 टुकड़े करो और रोटी के। तो 8 रोटियों के कितने टुकड़े हुए? तो हज़रत अली ने क्या कहा, रोटी के 3-3 टुकड़े करो। तो 8 रोटियों के कितने टुकड़े हुए? पहला मुसाफिर बोला 8 रोटियों के 24 टुकड़े हुए। ठीक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अब ये बताओ कि तीनों में से एक हर एक के हिस्से में कितने टुकड़े आए? दूसरा मुसाफिर हर एक ने 8-8 टुकड़े खाए। कितने कितने टुकड़े खाए? 8-8 टुकड़े खाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जिसके पास कुल 3 रोटियां थी, मुसाफिर अब तुम बताओ तुम्हारी रोटियों के कितने टुकड़े हुए? तो मुसाफिर ने क्या कहा, मेरी 3 रोटियों के 9 टुकड़े हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तुम्हारे हिस्से में उस तीसरे मुसाफिर ने कितना खाया तुम्हारे हिस्से में से? मुसाफिर, मेरे 9 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा उसने खाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे मुसाफिर से, अब तुम बताओ तुम्हारी 5 रोटियों के कितने टुकड़े हुए? मुसाफिर, मेरी 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए? 15 टुकड़े हुए 5 रोटियों के। जाहिर सी बात है 5 रोटियों के 15 टुकड़े होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनमें से कितने टुकड़े तुमने खाए और कितने टुकड़े तीसरे मुसाफिर ने? मुसाफिर, उनमें से 8 टुकड़े मैंने खाए और 7 टुकड़े उस मुसाफिर ने जिसने 8 दिरहम दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरह तुम 7 दिरहम ले लो क्योंकि उसने तुम्हारे हिस्से में से 7 टुकड़े खाए, और 1 दिरहम अपने साथी को दे दो जिसके हिस्से में से मुसाफिर ने सिर्फ 1 टुकड़ा खाया। दोनों मुसाफिरों की समझ में बात आ गई।
और उन्होंने हजरत अली की बात मान ली। आपने देखा कि हजरत अली तआला कितने अकलमंद थे, उन्होंने कितना सही इंसाफ किया। तो देखा आपने, हजरत अली ने इंसाफ करके दोनों मुसाफिरों को मुतमइन कर दिया और उनका झगड़ा खत्म कर दिया। अब सफा नंबर 38 पर इस सबक से मुताल्लिक अल्फाज मानी है, यहाँ लिखा हुआ है लफ्ज़ और मानी। तो पहला लफ्ज़ है वो है इंसाफ, यानी न्याय फैसला करना। दिरहम, दिरहम अरब मुल्कों में चलने वाला सिक्का, जैसे यहाँ पर रुपया होता है ना, ऐसे वहाँ पर दिरहम होता है। खलीफा कहते हैं कायम मुकाम या जानशीन को, खलीफा कहा जाता है कायम मुकाम या जानशीन को। और गौर कीजिए, में देखिए, किसी भी मसले को सुलझाने के लिए गौर व फिक्र ज़रूरी है, फैसला दलील और इंसाफ की बुनियाद पर मबनी होना चाहिए। ऐसा जो है वो दलील और इंसाफ की बुनियाद पर मबनी होना चाहिए। लालच और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, मिलजुल कर रहने ही में भलाई है। ठीक है, अभी सबक से मुताले सवाल जवाब करेंगे। अपनी कॉपियाँ आप निकाल लीजिए। तो बच्चों अपनी कॉपियाँ निकालिए और सबसे ऊपर लिखिए सबक नंबर 5 हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इंसाफ। इधर तारीख लिख कर तारीख डाल लीजिए आज की, और सोचिए बताइए और लिखिए इस तरह से लिख के। ये पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 डालकर लिखिए, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? इसका जवाब है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। फिर एक या दो लाइनें छोड़ दीजिए अपनी कॉपी में। अगला सवाल लिख दीजिए, सवाल नंबर 2, तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद क्या किया? तो जवाब है, तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद 8 दिरहम दिए। 8 दिरहम दे के गया था ना वो, तो तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद 8 दिरहम दिए। आप लोग अपना काम पेंसिल से करेंगे, मैंने आपकी सहूलत के लिए रेड और ब्लू पेन इस्तेमाल किया है सवाल जवाब लिखने में। अब सवाल नंबर 3 है, दोनों मुसाफिर आपस में क्यों लड़ रहे थे? इसका जवाब है, दोनों मुसाफिर दिरहम के बंटवारे पर आपस में लड़ रहे थे। इसके बाद सवाल नंबर 4, दूसरा मुसाफिर हजरत अली रेतानों की बात सुनकर हैरान क्यों रह गया? जवाब है इसका, हजरत अली की दलील और इंसाफ की बात सुनकर दूसरा मुसाफिर हैरान रह गया, ऐसे तो मैंने सोचा भी नहीं था, है ना। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, तीसरे मुसाफिर ने दोनों के हिस्से में से कितने कितने टुकड़े खाए? इसका जवाब है, तीसरे मुसाफिर ने एक के हिस्से में से 1 टुकड़ा और दूसरे मुसाफिर के हिस्से में से 7 टुकड़े खाए। तो इस तरह से आपके सवाल जवाब मुकम्मल हो गए। ये सवाल जवाब के बाद अब कुछ खाली जगह को भरने का काम है। इन जुमलों को सही लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, ठीक है, 3-3 ऑप्शन हैं। एक मुसाफिर के पास कितनी रोटियाँ थी? 7, 5 या 4? जी, एक मुसाफिर के पास 5 रोटियाँ थी, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, 5 रोटियाँ थी। दूसरा जुमला है, तीसरे मुसाफिर ने उन दोनों को कितने दिरहम दिए? 8, 6 या 3 में से क्या है? जी, 8 दिरहम दिए। ठीक है, तो दूसरा जुमला यहाँ पर 8 लिखकर पूरा हो जाएगा। अब बाकी जुमले जो हैं वो सफ़ा नंबर 39 पर हैं। इसमें तीसरा जुमला है, ये उस ज़माने की बात है जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के क्या थे? हाकिम, खलीफा या बादशाह? जी, खलीफा थे। तो यहाँ पर आप खलीफा लिख दीजिए। चौथा जुमला, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ क्या आता है? 3 दिरहम, 1 दिरहम या 2 दिरहम? क्या कहा था हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने? 1 दिरहम, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है, तो यहाँ पर 1 दिरहम लिख दीजिए। पाँचवा जुमला, दोनों की समझ में बात आ गई, इसकी मुसाफिरों की, दोस्तों की या भाइयों की? जो मुसाफिरों की बात थी तो दोनों मुसाफिरों की समझ में बात आ गई, तो यहाँ पर आप मुसाफिरों लिख दीजिए। इस तरह आपके फिल इन द ब्लैंक्स मुकम्मल होते हैं। अब देखिए, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आपको जुमले बनाने हैं अपनी कॉपियों में। सवाल जवाब के बाद ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए। सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है इंसाफ, फिर है मुसाफिर, फिर दिरहम, रोटी और खलीफा। ठीक है, ये काम कीजिए अपनी कॉपियों में। फिर है कुछ काम जो आपको वर्ड बुक में करना है। यहाँ लिखा हुआ है, मुंदाज़ सवालों में से हर एक के 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब को नीचे लिखिए। यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है और ये 4 ऑप्शन है, जो सही है उसको आप यहाँ पर इस लाइन में लिख देंगे। दोनों मुसाफिरों में इस बात पर झगड़ा हुआ कि हर एक को 4 दिरहम मिल रहे थे या 8 दिरहम काफ़ी ना थे, या फिर एक को 7 और दूसरे को 1 दिरहम मिल रहा था, या किसको कितने दिरहम मिलने चाहिए।
इसको कितने दिरहम मिलने चाहिए, इस बात पर झगड़ा हो रहा था। तो जो भी यहाँ पर सही है उसको यहाँ पर आप लिख दीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूँ इसमें है किसको कितने दिरहम मिलने चाहिए, इस बात पर झगड़ा हो रहा था, तो ये जुमला आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसी बात दोनों हजरत अली के पास इसलिए गए, वो दोनों मुसाफिर हजरत अली के पास इसलिए गए थे, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। नंबर एक पर उनको पैसे देने, उनसे और पैसा मांगने, या उनसे फैसला करवाने, या उनको अपना फैसला सुनाने। तो शाबाश यही है, उनको उनसे फैसला करवाने के लिए गए थे अपने झगड़े का, तो उसको यहाँ लिख देंगे उनसे फैसला करवाने। इसके बाद लिखा हुआ है हजरत अली के फैसले के मुताबिक दूसरे मुसाफिर के हिस्से में कितने दिरहम आ रहे थे, कितने, चार दिरहम आ रहे थे, एक दिरहम आ रहा था, तीन दिरहम या पाँच दिरहम। तो दूसरे मुसाफिर के हिस्से में एक दिरहम आ रहा था, उसे यहाँ पर लिख दीजिए एक दिरहम। सफर नंबर 40 पर देखिए तीसरा मुसाफिर कब आया। इसमें पहला है जब दोनों मुसाफिर रोटियाँ खा चुके, इसके बाद है खाना शुरू करने से पहले। तीसरा जवाब है इसका जब दोनों रास्ते पे चल रहे थे, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा मुसाफिर कब आया था, खाना शुरू करने से पहले। तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए इस जुमले को। इसके बाद देखिए पहले मुसाफिर ने 5 दिरहम क्यों लेने चाहे। तो पहला मुसाफिर था उसने 5 दिरहम क्यों लेने चाहे, क्योंकि उसके साथी ने 3 दिरहम ले लिए, इसलिए, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा था इसलिए, या क्योंकि उसकी 5 रोटियाँ थी, या क्योंकि वो बहुत लालची था। तो इसमें यह है क्योंकि उसकी 5 रोटियाँ थी इसलिए उसने 5 दिरहम लेने चाहे। तो इस जुमले को आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद में इसी सफ़े पर नीचे देखिए ये कुछ जुमले दिए हुए हैं, इन जुमलों को वाकयात की तरतीब के मुताबिक लिखना है। जो वाकयात इस सबक में आए हैं उनकी सही तरतीब के मुताबिक आप इन जुमलों को लिखेंगे। ये बेतरतीब जुमले लिखे हुए हैं, एक एक जुमले को लीजिए और उसको सही तरतीब के मुताबिक आप लिखते जाइए यहाँ तक, ठीक है। सफर पर 41 पर देखिए नीचे लिखे जुमलों में रंगीन लफ्ज़ों के सामने जो मुतादाद अल्फाज लिखे हुए हैं इनके मुतादाद आपको यहाँ लिखने हैं। ये 3 जुमले इन्होंने यहाँ दिए हैं और बीच में खाली जगह छोड़ी है। और यहाँ पर सबसे पहले जुमले में लिखा हुआ है ख़त्म, दूसरे जुमले में सुलह, और तीसरे जुमले में नुकसान। और आपको यहाँ पर इसका मुतादाद यानी इसका अपोजिट वर्ड जो है वो लिख के इस जुमले को मुकम्मल कर रहे हैं। जैसे अभी है, अभी उन्होंने खाना नहीं किया था कि बाकी लोगों ने ख़त्म कर दिया, तो ख़त्म का मुतादाद क्या होगा, शुरू, यहाँ आप शुरू लिख दीजिए, ठीक है। इस बात पर दोनों में बहुत सुलह हो गई, ये झगड़ा हुआ जी, इसका सुलह का मुतादाद है झगड़ा, मुतादाद यानी अपोजिट वर्ड। अगर तुम 3 दिरहम ले लो तो कायम रहोगे, वरना नुकसान में रहोगे, नुकसान का मुतादाद फ़ायदा, तो फ़ायदे में रहोगे। अगर तुम 3 दिरहम ले लो तो फ़ायदे में रहोगे वरना नुकसान होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जुमले मुकम्मल कर लीजिए आप लोग। इसी के नीचे ये देखिए दुरुस्त जुमला वाले लफ्ज़ों पर सही का निशान लगाइए। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनमें 3 ऑप्शन हैं, तो आपको जो जिसका इमला सही है उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। जैसे यहाँ मुसाफिर, यहाँ सीने मुसाफिर में यहाँ स्वाद है और यहाँ से है, तो आपको मुसाफिर क्योंकि सीन आता है मुसाफिर में, तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए। इसी तरह हिसाब में भी इस तरह दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ हिसाब ये सही है, तो आप इसको टिक मार्क कर दीजिए। इसके बाद है लफ्ज़ हैरान, ये सही हैरान लिखा हुआ है, तो आप इस पर टिक मार्क कर दीजिए। इसके बाद इंसाफ देखिए, इंसाफ कौन सा सही है, ये सही है, तो यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। अब एक काम आपको करना है, वाहिद जमा यानी सिंगुलर प्लूरल। इस सबक में जो अल्फाज आए हैं उनमें जो वाहिद हैं उनको वाहिद के साथ में लिख दीजिए यहाँ पर एक एक करके, और जो जमा के हैं उनको जमा के साथ यानी जो प्लूरल हैं उनको यहाँ प्लूरल के साथ लिखते चले जाइए। सबक पढ़िए और यहाँ पर अल्फाज लिखते जाइए, जो वाहिद का लफ्ज़ है उसको यहाँ लिख दीजिए, और जो जमा का लफ्ज़ है अल्फाज हैं उनको यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद सबसे आखिरी काम इस सबक का जो आपको करना है वो है मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब लफ्ज़ वो कहलाते हैं
जो एक या दो अल्फाज से, एक या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं, जो जो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है इस सबक में लफ्ज़ अकलमंद आया है। क्या आया है? अकलमंद, जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है इसका मतलब है समझदार। इसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में मंद लगाकर लफ्ज़ बनाइए। अकल और मंद दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है सेहत, तो सेहत को मंद के साथ भी मिला दीजिए, यहाँ मंद लिख दीजिए तो सेहतमंद हो जाएगा, यानी कि इसके पास सेहत हो, सेहत याफ्ता। इसके बाद हुनर है, हुनरमंद बना दीजिए, एहसान का एहसानमंद हो जाएगा, सलीकेमंद हो जाएगा, ज़रूरत का ज़रूरतमंद हो जाएगा, फिर दौलत का दौलतमंद हो जाएगा। इस तरह से ये मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बनाया जाता है। तो आज का आपका इस वक्त मुकम्मल होता है। अपना काम अपनी कॉपी में मुकम्मल कीजिए और वर्कबुक का काम वर्कबुक में कीजिए। ठीक है, शुक्रिया।